हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। सो मैं आपकी दोस्त निहाल भी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैप। ये हमारा बॉर्न बेबी कैप है 3 मंथ्स की बेबी के लिए, और इसको बनाना बहुत आसान है। बचे हुए कपड़े से हमने ये फैब्रिक, ये जो कैप है, बनाकर तैयार किया है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो चलिए हमारा जो कैप है इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से कैप जो है बनकर तैयार हो जाएगा। कैप की कटिंग शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला पीस लिया हुआ है, और इसका हमारा मेजरमेंट है। यहाँ से लेंथ है हमारी 7 इंच पर, और विड्थ यहाँ से हमने इसकी रखी है 14 इंच पर, और सेम मेजरमेंट के दो पीस यहाँ पर हमने कट किए हैं। और इसी के साथ हमने देखिए यहाँ पर एक पीस जो है ये भी कट किया है, और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से 3 इंच पर, और लेंथ हमने यहाँ से इसकी रखी है 22 इंच, और इसको हम डबल करेंगे तो ये हमारी 44 इंच की हमारी लेंथ है। जो हमारी एक्स्ट्रा होगी उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पीस लेंगे, राइट साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है, और यहाँ से देखिए हमारा पीस कम था तो यहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है, तो इसको हम करेंगे, जो हमारी फ्रिल के लिए हमने कट किया है इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर हम इस पर प्लेटें डालेंगे तरीके से। प्लेटें डालकर हम इसको तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्लेटें डालकर तैयार कर दिया है, और अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा वाला पीस था हम वो लेंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ पर, राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और अब यहाँ से हम इसको देखिए इस तरीके से पलट लेंगे, और इसको पलटने के बाद यहाँ से फोल्ड करेंगे ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे। और अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है, और अब इसको पलट लेंगे। देखिए इसको हमने ओपन किया यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से इसको पलटेंगे, और एक सिलाई हमें इस साइड लगानी है, और एक सिलाई हम इस साइड लगाकर इसको तैयार करेंगे। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। और इसको पलटने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम यहाँ से कम करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इस पर डालेंगे एक प्लेट, इस तरीके से हमें इस पर एक प्लेट डालनी है दोनों साइड पे, और एक प्लेट हम इस साइड से इसको डालकर तैयार करेंगे। देखिए दोनों साइड पे हमने एक एक प्लेट डालकर इसको तैयार कर दिया है, और यहाँ से ये हमारा बिल्कुल इक्वल है, दोनों पीस हमारे इक्वल हैं। और अब यहाँ पर हमने एक पट्टी जो है ये कट की है, इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। तो इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से, विड्थ हमने रखी है इसकी 2 इंच पर, और लेंथ है हमारी यहाँ से इसकी 32 इंच हमारी लेंथ है। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करेंगे, तो ये वाली जो हमारी पाइपिंग है देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है, इसको हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे मिलाएंगे दोनों पीस को, और इस तरीके से इसको मिलाते हुए यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। इसको हमें यहाँ से सिलकर तैयार कर दिया है, और अब इसको पलट लेंगे। देखिए इसको हमें पलटना है राइट साइड की तरफ, और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा है देखिए यहाँ से भी इसको हम इस तरीके से सिलकर तैयार कर देंगे। जिस तरीके से हमने इस साइड से इसको फोल्ड किया है, सेम तरीके से हम इसको यहाँ से भी देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोस्तों हमारा कैप बनकर तैयार है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।